हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट वर्मसेली कस्टर्ड। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून घी, घी से ही हम करेंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेवई, जिसे हम वर्मसेली भी बोलते हैं। इसे हमें 1 मिनट तक के रोस्ट करना है। इसे आप फ्राई करें एक बार घी में, घी में आप फ्राई करके देखें, बहुत ही अलग टेस्ट आएगा। हमें इसे 1 मिनट तक के फ्राई करना है। इसे हमें कंटिन्यू से चलाते रहना है, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जब देखिए कि यहाँ पे 1 मिनट हो जाए, तो इसमें ऐड करना हमें ड्राई फ्रूट्स। आपके घर में जो जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है उसे आप कट कर लें। और इसे भी हमें फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक के। बस थोड़ा सा सेवई का कलर गोल्डन हो जाएगा तब हमें स्टॉप कर देना है फ्राई करने के लिए। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे हमारा परफेक्टली फ्राई हो चुका है। अब हमें ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 kg मिल्क ले ली हूँ। इसे हमें बॉईल करना। जब तक कि ये बॉईल हो रहा है, चलिए हम कस्टर्ड को रेडी करते हैं। यहाँ पे मैं एक बोल में रूम टेम्परेचर के हिसाब से मैं मिल्क ले ली हूँ। उसमें हमें 1.5 चम्मच कस्टर्ड ऐड करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्लेवर है केसर पिस्ता फ्लेवर, चाहे तो आप कोई भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं कस्टर्ड। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मिल्क में। दूध आप अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से ले सकते हैं, नॉर्मल। ज़्यादा बॉयल किया हुआ हमें मिल्क नहीं लेना है कस्टर्ड जब आप मिक्स करें, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा मिल्क भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। जब देखें कि हमारा मिल्क अच्छे से बॉयल हो जाए, जो फ्राई किया हुआ हमारा सेवई और जो है ड्राई फ्रूट्स, वो सारे चीज़ को हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क में। ऐड करने के बाद हमें सिर्फ 5 मिनट तक के इसे हमें कुक करना है। ज़्यादा हम नहीं कुक करेंगे। ये डेजर्ट बहुत ही कम समय में 20 मिनट्स में ये बन के रेडी हो चुका था। और मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसे लगी। चलिए साथ ही साथ अब इसमें ऐड कर देना हमें इसमें चीनी। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप ऐड करें शुगर इसमें। जब भी आपको दिल करे मीठा कुछ खाने का, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अब 5 मिनट हो चुका था। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। एक हाथ से हम ऐड करेंगे और दूसरे हाथ से हम चलाते रहेंगे। इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे जैसे ही हम ऐड करते हैं ये थिक होना शुरू हो जाता है, ये देखिए। और गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे कंटिन्यूअसली हम चलाते रहेंगे। अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर देना है। चलिए इसे सर्व करते हैं। अब सर्व करते हैं हम। आप इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं या फिर चॉकलेट भी आप रख सकते हैं। आप जिस हिसाब से आपको अपने ग्लास को या फिर बोल्स को अपने हिसाब से डेकोरेट करें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के वर्मासेली कस्टर्ड इंजॉय करें। बाय, टेक केयर।